नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर सामने आई है। जिस विभाग का हम जिक्र करने वाले हैं उसमें युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा नौकरी के लिए मौका आया है। खबर में आपको आगे बताएंगे कि किस विभाग में नियुक्ति की जाने वाली है, कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस क्या होगी। बिहार पोस्ट ऑफिस विभाग ने अधिसूचना जारी कर पोस्टल असिस्टेंट, एमटीएस, पोस्टमैन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। पदों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। यह सभी भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2021 है। भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 60 पदों पर भर्ती की जाने वाली है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए 31 पद हैं, एमटीएस के लिए 13 पद है, तो वहीं सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के लिए 11 पदों पर भर्तियां की जाने वाली है। तो वहीं अगर पोस्टमैन पद की बात की जाए तो उसके लिए 5 वैकेंसीज निकाली गई है। सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट पदों के लिए उम्मीदवारों की मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं एमटीएस पदों के लिए 10वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में मांगी गई है। पोस्टमैन पदों के लिए 12वीं पास के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बताते चले कि ऐसे ही अन्य विभागों में वैकेंसीज निकाली जाती रहती है, लेकिन इस बार बिहार के पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। ये काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो 12वीं पास कर किसी नौकरी की तलाश में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी नियुक्तियाँ भी की जानी है जो कि 10वीं पास लोगों के लिए भी है, बस उन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान जो है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि किस पद के लिए किस तरीके से नियुक्ति की जाने वाली है और एप्लीकेशन की जो डेट है, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 से आवेदन लिए जाना शुरू हो चुका है, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है। आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आप इन नौकरियों में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप indiapost.gov.in पर जाकर सारी जो चीज़ें दी गई है वो चेक करें, जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो चेक करें और एप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसे पूरे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही दिखाते हैं तो एक अच्छी नौकरी का मौका आप खो बैठेंगे। बताते चले कि 60 पदों पर इस वक्त नियुक्ति की जा रही है, 60 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है जिनके लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू किया जा चुका है और आखिरी तारीख जो है वो 31 दिसंबर 2021। आप नौकरी से जुड़ी ऐसी अन्य खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम आपको लगातार ऐसी खबरें बताते रहते हैं जो हम आपको बताते हैं कि बिहार के किस विभाग में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है और आप किस तरीके से उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इस बार जो वैकेंसी निकाली गई उसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 की है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप आज के आज जाकर वेबसाइट पर सब कुछ चेक कर ले, सारी नोटिफिकेशन चेक कर ले, ताकि नौकरी का सुनहरा मौका आप न गवा दें। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।